So hello everyone, welcome to the market outlook session. In this video, we will discuss about the market outlook for 6th December 2022. So let us start. We will discuss about Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and few stocks in this video. So let us start. First of all, let me read out my market participants data analysis view. So clients are bullish on the index and stock futures. They are bearish on the index options. FIs are bullish on index options. Pros are also bullish on index options. So the conclusion is starting can be bullish and we can see selling later on in the markets. Okay, fine. Now let us see the world markets, what the world markets are doing. So Nasdaq is right now trading 1% down. And US 30, which is the Dow Jones Industrial Average, it is also trading almost 1% down. And S&P 500 is 1.5% down. It means the US markets are not doing well at the moment. And definitely, we can see a gap down in the markets if US markets close poorly today. तो अगर गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट में क्या होगा, पहले यहां से डिस्कशन चालू कर देते. तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाए. अब ये क्यों बनाया है, इट्स अ वेरी सिंपल रीजन फॉर दिस कि यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुआ शुरू में तो यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, ये कल के लिए प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा. उसके बाद मार्केट ऊपर गया ऑलमोस्ट डे हाई तक, फिर एक सेकेंड लो बनाया जो हायर लो था वो यहाँ से बना और फिर मार्केट वापिस से हाई तक गया. तो आपके जो हाई है वो अराउंड टुडे ओपन के पास ही है, जहां पे आज मार्केट ओपन हुआ था वही आज मार्केट का हाई भी है. ठीक है, ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाया एंड तक, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा कल भी. अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एंड मार्केट अराउंड यहाँ पे खुलता है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी और बढ़िया, ये एक डिमांड है. अगर थोड़ा ऊपर भी खुलता है तो वहां से भी बाइंग की आएगी, बिकॉज मार्केट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि मार्केट आपको दिखा रहा है कि वो हायर लोज बना रहा है. तो डेफिनेटली अगर कल मार्केट गैप डाउन की वजह से अराउंड यहाँ पे खुल जाता है तो मार्केट आपका सीधा एक अच्छा रिएक्शन देगा इसको, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे खुल रहा है तो. तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा एंड आराम से मार्केट आज के हाई तक आ सकता है, या तो आज की क्लोजिंग तक आ जाएगा 700 तक या आज के हाई तक आ जाएगा. तो ये सिंपल सा पहला ट्रेडिंग प्लान है कि अगर कोई ओपनिंग ट्रेड्स करना पसंद करता है और निफ्टी आपको यहाँ खुलते हुए दिख रही है, आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, तो आप 1 मिनट होती है एंट्री ले सकते हो कॉल्स में एंड क्विकली स्कैल्प आउट मार सकते हो. फर्स्ट टारगेट आपका ये प्रीवियस डे क्लोजिंग रहेगा और सेकेंड टारगेट आपका प्रीवियस डे हाई रहेगा. चांसेस है कि आपको प्रीवियस डे हाई का टारगेट इजिली मिल जाएगा इवन इफ मार्केट ओपन गैप डाउन अराउंड हेयर. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की. तो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है. बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बस एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है निफ्टी से, वो ये है कि निफ्टी ने हाई सेम जगह बनाया है एंड वो अपने ओपनिंग वाले लेवल को तोड़ नहीं पाई. ठीक है, बिकॉज निफ्टी वॉज 0.03% अप एंड बैंक निफ्टी वॉज 0.53% अप. इसका मतलब बैंक्स आज बुलिश थे ट्रेडिंग सेशन. ठीक है, निफ्टी ने हायर लोस तो बनाए बट वो अपना डे हाई नहीं तोड़ पाया. लेकिन बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने उनका जो फर्स्ट कैंडल में हाई बना था वो तोड़ दिया, तो बैंक्स में हायर लोस और हायर हाइज भी बन रहे थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, तो आपको पता होना चाहिए आज मार्केट में क्या हुआ है, तभी आप कल रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो. अगर मार्केट में कल कोई रिवर्सल होता है और आपको आज का स्ट्रक्चर नहीं पता कि प्रीवियस डे क्या हुआ है ट्रेडिंग सेशन, तो आप उतना कॉन्विक्शन के साथ ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे. तो इसीलिए आपको पता होना जरूरी है कि बैंक निफ्टी ने आज हायर लोस एंड हायर हाइज बनाए. ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन होते हुए दिख रहा है अराउंड यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास में या फिर इस लेवल के पास में जो अपना सेकेंड लो है इसके पास में कहीं पे आपको गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, या तो इस ट्रेंड लाइन पे या फिर इस लेवल के पास, तो डेफिनेटली पहले बैंक निफ्टी भी ऊपर आएगा. ओके, एंड वो प्रीवियस डे क्लोज तक या फिर प्रीवियस डे हाई तक इजीली आपको टारगेट दे देगा. तो बैंक्स भी आपके बुलिश रहेंगे अगर वो यहाँ पे या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं खुल जाते हैं. अब क्वेश्चन है कि आपको ये चीज देखनी है कि क्या बैंक्स ये जो हायर हाइज वाला जो
स्ट्रक्चर है, क्या ये तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपका आज फर्स्ट हाई बना, यहाँ पे आपका सेकेंड हाई बना, यहाँ पे आपका थर्ड हाई बना। अब अगर बैंक्स आपके कल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, आपको सिमिलर हाई बना के दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिमिलर हाई देखने को मिल रहा है कि बैंक्स यहीं पे आके पॉज हो रहे हैं, देन फिर बैंक्स वापस नीचे जा रहे हैं, फिर थोड़ा ऊपर आ रहे हैं और फिर ब्रेकडाउन दे रहे हैं उस लो का। तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि बैंक्स का जो हाईज है वो नीचे आ रहा है और लो भी अब नीचे जा रहा है। तो जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, आप बैंक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं कल के दिन के लिए। तो मैंने जैसा कहा है, वी कैन सी सेलिंग लेटर ऑन इन द मार्केट, तो हो सकता है आपको बैंक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। काफी दिन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे ज्यादा अच्छी निफ्टी में मिल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल मुझे बैंक्स में ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, लॉट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स आर ऑल्सो देयर इन द सीएनएक्स फाइनेंस इंडेक्स। तो डेफिनेटली हो सकता है बैंक्स भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल दे दें, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहे। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक्स यहाँ पे गैप डाउन कर जाए यहाँ पे या यहाँ पे, उसके बाद वो एक पुल बैक आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा शुरू में बुलिश रहेगा मार्केट। उसके बाद अगर ये डबल टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, एक लो बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, आपको एक लोअर हाई दिखता है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, मार्केट उस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा। और फिर अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है, इसका ये मतलब है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप अपनी सेलिंग पोजीशंस इंडिकेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस जगह पे सेल कर पा रहे हैं मार्केट को, तो आप आराम से इस लेवल का एसएल लेके एक स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स की साइड। अगर आपको कुछ ऐसा सेटअप मिल रहा है एग्जैक्टली जैसा मैंने समझाया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्विंग शॉट भी मार सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो जस्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल सप्लाई जोन, अगर यहाँ से शॉर्ट आपको दिख रही है, आई विल सजेस्ट यू टू गो शॉर्ट ऑन अ स्विंग बेसिस ऑल्सो। अगर इंट्राडे में आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं मिल रहा है, आप आराम से इसको स्विंग शॉर्ट बना के भी छोड़ सकते हैं। अब जो लोग ऑप्शन बाइंग में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते, उनके लिए दो एडवाइस है मेरे पास कि या तो अगर आप स्विंग ट्रेड करो और ऐसा सेटअप बने, तो आप मंथली एक्सपायरी चूज करना इंस्टेड ऑफ द वीकली एक्सपायरी, तो बेटर होगा कि अगर एक दो दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं भी आए तो भी आप अपनी ट्रेड होल्ड कर पा रहे। दूसरी चीज है कि एक बार टेलीग्राम पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था, एंड उस वीडियो में मैंने समझाया था ऑप्शन स्प्रेड्स। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप अभी भी टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं हो, हमारे आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको जाना है एंड अभी ज्वाइन करना है और ये वीडियो चेकआउट करना है, क्योंकि ये आपके स्विंग ट्रेड लेने में काम आएगा। एंड अगर आपको ऑप्शंस में कभी भी स्विंग ट्रेड करनी हो, तो ये स्ट्रैटेजीज बहुत ही आपके काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कल हम प्ले कर सकते हैं, एक वन ऑफ द मार्केट प्लान है। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी में ये खेलना चाहूंगा, ठीक है। टारगेट देखो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा एक टारगेट। अगर ये मेरे को इंट्राडे में भी नहीं मिलता है, तो हो सकता है मैं स्प्रेड बना के इसको वेडनेसडे के लिए भी होल्ड कर लूं, बिकॉज मेरे को अच्छी खासी अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखेगा, तो मैं एक बड़ा टारगेट लेके चलूंगा निफ्टी बैंक, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बहुत ही क्रूशियल लेवल। यहाँ से अगर सेलिंग आती है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस ट्रेड में जितना टाइम बने रह सकता हूँ उतना टाइम बने रहूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिन निफ्टी। ओके, तो फिन निफ्टी में भी जैसा अभी आपको बताया, एक वही स्ट्रक्चर है जिसमें एक लो बना, फिर एक लो उसके ऊपर बना। अगर आपका मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो रहा है यहाँ पे या फिर इस लेवल, तो ये ऊपर आएगा पहले, ठीक है, ऊपर आएगा तो ये आपका प्रीवियस डे हाई है। मेरे हिसाब से ये यहाँ से नहीं रिवर्स करेगा, मेरे हिसाब से यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा। तो अगर यहाँ से आपको एक इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखता है या ब्रेकआउट दिख रहा है, तो आपको कोशिश भी नहीं करनी कि आप उसको बाय भी कर लो या सेल भी कर लो, आप कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आपको ट्रेड ही नहीं करना, आपको वेट करना है मेरे इस लेवल की। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका रीजन बताता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ, आज ही मैंने ट्रेड भी की है ऐसी चीज, तो पहले आपको उससे समझा देता हूँ ताकि आपकी कॉन्विक्शन और बढ़ जाए इस सेट।
अब आज अपन ने निफ्टी का रिवर्सल कहाँ से ट्रीट किया था, इस पॉइंट से। तो ये क्या था, एक गैप था जो कब बना था, 29 नवंबर की क्लोजिंग पे। जब 29 नवंबर को मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पे हो गया था, अगले दिन गैप अप हो गया था, उसके बाद वो सीधा ऊपर चला गया था। तो ये एकदम क्लोजिंग टच नहीं कर पाया था हमारे। उसके बाद जब आज इसने क्लोजिंग टच की और रिवर्स किया, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये सपोर्ट बना और मार्केट को ऊपर लेके गया। मैंने आपको क्या कहा था, आज डेटा बेरिश भी है, स्टिल मैं आपको कहूंगा ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेटा एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे हमको बाय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिला। वैसे ही हो सकता है जस्ट इसका ऑपोजिट करें, हो सकता है आपको लाइव मार्केट में डेटा बुलिश दिखे, ठीक है, बिकॉज मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा आपका बुलिश होगा उस समय, ठीक है। तो अगर डेटा बुलिश भी है, स्टिल अगर आपको यहाँ से एक रिवर्सल मिल रहा है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल हो सकता है, बिकॉज ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जैसे ही मार्केट फर्स्ट टाइम इस एरिया में टैप करेगा तो ये एरिया एक बहुत ही अच्छी सप्लाई देगा मार्केट को। डेफिनेटली यहाँ इस एरिया पे आप एक रेक्टेंगल मेरी तरह मार्क करके रख सकते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करेगा और आपको रिवर्सल दिख रहा है, चाहे डेटा थोड़ा बुलिश भी हो, स्टिल आप एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज अपना एसएल इस लोकेशन पे बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आपका एक छोटा सा एसएल आएगा लगभग इतना सा, और आप आराम से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो जिसमें बहुत ही अच्छा आरआर मिल सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में जाने लग जाए तो, क्योंकि एक की लेवल है तो फॉल भी बड़ा आएगा इस लेवल, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी के हीरो जीरो ट्रेड भी हो सकती है कल के लिए। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा और मुझे रिवर्स होता हुआ दिखेगा और मुझे बहुत ही अच्छा कुछ ऐसा लगेगा कि मूवमेंट आ सकता है, तो डेफिनेटली एक हीरो जीरो ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हो यहाँ, एक ऑप्शन फिर निफ्टी। ओके, तो इस जोन का वेट, मैं पर्सनली इस जोन पे अगर रिवर्स होगा तो ट्रेड करना पसंद उतना नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी ये जोन आज एक बार टेस्ट हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए और फिर वहां से वो रिजेक्शन दे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मुझे रिवर्सल दिखता है तो ही फिर मैं उसे ट्रेड करना पसंद करूंगा। हो सकता है मैं ऐसी कुछ ट्रेड एक हीरो जीरो मेथड में भी ले लूं। फाइन, तो ये मेरी तीन इंडेक्स की एनालिसिस है। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो नॉट ओनली फॉर टुमारो, ये वीडियो आपकी आने वाले टाइम में भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, बिकॉज जो जो मैंने वीडियो में बात बोली है वो तो सारी बहुत ही क्रूशियल प्राइस एक्शन आपको सिखा रही है। मैंने आपको कुछ की लेवल्स बताया, मैंने आपको कुछ लॉजिक्स बताए हायर लोस के, हायर हाईस के, स्ट्रक्चर के, अगर ये सब आप अच्छे से सीख लो एंड देन आप ट्रेड करने लग जाओ तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से ही आप मार्केट को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो कि यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू स्टॉक्स दैट आई हैव पोस्टेड फॉर यू गाइस। तो मैंने तीन ही स्टॉक्स पोस्ट किए, ज्यादा नहीं किए, ज्यादा स्टॉक्स ट्रैक करना मुश्किल होता है एंड मैं सुबह भी एक वॉच लिस्ट देता हूँ, जनरली उसमें भी काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पे सेक्टोरल ट्रैक्शन भी समझाता हूँ मार्केट का। तो जो जो अच्छे से फॉलो कर रहा है एकदम मेरे को शुरू से लेकर एंड तक मार्केट के, बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ इसमें, सेक्टर्स क्या चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स लूजर्स हैं, तो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे तीन स्टॉक्स दिए हैं, मेरा पोस्ट मार्केट स्कैनर है जो मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल भी रखा है, पिन भी है ये चैनल में, ये मैं यूज करता हूँ स्टॉक्स ट्रैक करने के लिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो लोस के पास ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी मैरिको में, अगर मैरिको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक अच्छी शॉर्ट बनेगी, ठीक है। ये है अंबुजा सीमेंट, ये आपको लोअर हाइज और लोअर लोज एक स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन स्टिल अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे थर्ड बार आता है तो थर्ड टाइम मैं किसी भी ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मानता हूँ। अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे थर्ड बार टच करता है एंड आपको यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाता है तो मैं इस स्टॉक को बाय करना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग, मैं इस स्टॉक के साथ बाइंग प्रेफर करूंगा अगर ये रिवर्सल देगा। और ये है अपना थर्ड स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये आपके 2 दिन के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी बाइंग साइड पे ट्रेड मिल सकती है। अगर ये आपको यहीं पे खुलने के बाद अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है रिवर्सल की जरिए, तो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हैं और फिर उस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन देगा तो आप इसको शॉर्ट भी मार सकते हैं। ये तीन स्टॉक्स हैं, इससे ज्यादा मैंने डाले भी नहीं है, तीन स्टॉक्स आपके लिए इजी होगा ट्रैक करना। तो ये तीनों स्टॉक्स में से आपको जो भी अच्छी एंट्री दे रहा है आप उसको ट्रेड कर सकते हो।
सो दिस वॉज अबाउट टूडेज मार्केट आउटलुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको डेली इन मार्केट आउटलुक वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है और हेल्प मिल रही है, देन लेट मी। थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, एंड हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको लाइव मार्केट में हमारा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन।